हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन विजन एमबीबीएस। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स के बारे में। ओके, तो देखिए, तो नाजो फेरिंग्स, ओरो फेरिंग्स और लेरिंगो फेरिंग्स, हमने यहाँ पे पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स देख लिए थे। नाजो फेरिंग्स नाजल पार्ट, ओके, ओरल पार्ट को ओरो फेरिंग्स और लेरिंजियल पार्ट को लेरिंगो फेरिंग्स कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं उसके बारे में डिटेल में। देखिए, तो पहले हम देख लेते हैं कि उसकी सिचुएशन मीन्स के लोकेशन कहाँ पर है। ओके, तो नाजो फेरिंग्स का लोकेशन बिहाइंड द नोज, ओरो फेरिंग्स प्रेजेंट बिहाइंड द ओरल कैविटी एंड लेरिंगो फेरिंग्स बिहाइंड द लेरिंग्स। ओके, अब देख लेते उसका एक्सटेंट। नाजो फेरिंग्स कहाँ से स्टार्ट होता है? बेज ऑफ स्कल से लेके सॉफ्ट पैलेट तक होता है। ओके, बेज ऑफ स्कल से स्टार्ट होता है अप टू द सॉफ्ट पैलेट। ओरो फेरिंग्स सॉफ्ट पैलेट से स्टार्ट होके अप टू द अपर बॉर्डर ऑफ एपिग्लोटिस एंड लेरिंगो फेरिंग्स अपर बॉर्डर ऑफ एपिग्लोटिस से स्टार्ट होके लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज तक होता है। ओके, उसका एक्सटेंट देखिए। अभी हम सिर्फ थियोरिटिकल पार्ट पढ़ रहे हैं। इसके बाद जब हम थियोरिटिकल पार्ट पढ़ लें तो बाद में हम पढ़ने वाले हैं सभी के तीनों पार्ट्स के बारे में डायग्राम से भी ये सारी की सारी थियोरी पढ़ने वाले हैं। ओके, तो अभी हम सिर्फ यहाँ पे सिर्फ पहले हम थियोरिटिकल पार्ट देख ले तो आपको ओवरव्यू मिल जाए कि ये स्ट्रक्चर हमें डायग्राम से देखना है। ओके, अब देख लेते कम्युनिकेशन। तो एंटीरियरली नाजो फेरिंग्स कम्युनिकेट विथ नोज एंड बिलो कम्युनिकेट विथ ओरो फेरिंग्स। ओरो फेरिंग्स एंटीरियरली कम्युनिकेट विथ ओरल कैविटी। एबोव नाजो फेरिंग्स एंड बिलो कम्युनिकेट विथ लेरिंगो फेरिंग्स। लेरिंगो फेरिंग्स इन्फीरियरली कम्युनिकेट विथ इसोफेगस। एंटीरियरली कम्युनिकेट विथ लेरिंग्स एंड एबोव कम्युनिकेट विथ ओरो फेरिंग्स। ये अभी तो सिर्फ आसान आसान से आया। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आने वाला है, वो है उसकी नर्व सप्लाई। नाजो फेरिंग्स के नर्व सप्लाई है फेरिंजियल ब्रांच ऑफ टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन। ओरो फेरिंग्स और लेरिंगो फेरिंग्स की नर्व सप्लाई है नाइन्थ एंड टेंथ क्रैनियल नर्व। ओके, अब देख लेते उसके रिलेशन के बारे में। तो पहले देख लेते एंटीरियर रिलेशन। नाजो फेरिंग्स का एंटीरियर रिलेशन है पोस्टीरियर नाजर एपार्चर। ओरो फेरिंग्स एंटीरियरली रिलेटेड विथ ओरल कैविटी एंड लेरिंगो फेरिंग्स एंटीरियरली रिलेटेड विथ इनलेट ऑफ लेरिंग्स पोस्टीरियर सरफेस ऑफ क्रिकोइड एंड एरिटिनोइड कार्टिलेज। ओके, तो ये हम तीनों के तीनों स्ट्रक्चर डायग्राम में देखने वाले हैं। ओके, अभी सिर्फ याद रखिए, बाद में है पोस्टीरियरली रिलेशन। ओके, और हम उसे कहेंगे रूफ। ओके, रूफ फॉर्मेशन। तो अब नाजो फेरिंग्स का पोस्टीरियर रिलेशन देख लेते हैं। बॉडी ऑफ स्फिनॉइड एंड बेजी ओसीपुट एंड ऑल्सो एंटीरियर आर्च ऑफ एटलास। उसका एंटीरियर आर्च ऑफ एटलास मतलब कि फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री एंड ऑल्सो प्रेजेंस ऑफ नाजो फेरिंजियल टॉन्सिल विच इज प्रोमिनंट इन चिल्ड्रन। ओके, एंड द अनदर वन इज नाजो फेरिंजियल बर्सा, इट्स ऑल्सो नोन एज म्यूकस डाइवर्टिक्यूलम। अब हम देख लेते पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ ओरोफेरिंग्स। तो वहाँ पे होगा C2, बॉडी ऑफ C2 एंड C3 वर्टिब्रा। मतलब कि अब यहाँ से हम ये जान सकते हैं कि ओरोफेरिंग्स है C2 से लेके C3 वर्टिब्रा तक होता है। ओके, जबकि लेरिंगोफेरिंग्स C4, C5 एंड C6 तक होता है, लोअर बॉर्डर ऑफ C6 तक। ओके, अब देख लेते हैं हम लेटरल रिलेशन। ओके, लेटरली नाजो फेरिंग्स रिलेटेड विथ ओपनिंग ऑफ ऑडिटरी ट्यूब एंड एबोव द ऑडिटरी ट्यूब देर इज अ ट्यूब्यूल एलिवेशन विथ ट्यूब्यूल टॉन्सिल्स। ओरोफेरिंग्स का लेटरल रिलेशन टॉन्सिलर फोसा विच कंटेन पैलेटाइन टॉन्सिल एंड लेरिंगोफेरिंग्स का लेटरल रिलेशन पायरीफॉर्म फोसा ऑन ईच साइड ऑफ इनलेट ऑफ लेरिंग्स विच इज बाउंडेड बाई एरी एपिग्लोटिक फोल्ड मीडियली एंड थायरॉयड कार्टिलेज लेटरली। ओके, मतलब कि पायरी जो लेरिंगोफेरिंग्स के दोनों लेटरल साइड क्या होगा, पायरीफॉर्म फोसा। ओके, और पायरीफॉर्म फोसा की बाउंड्री कौन कौन सी होगी, मीडियल साइड होगी एरी एपिग्लोटिक फोल्ड एंड लेटरल साइड होगा थायरॉयड कार्टिलेज।
अब हम देखते हैं लाइनिंग एपिथेलियम, तो नाजोफेरिंग्स का एपिथेलियम कैसा होगा, सिलिएटेड कोल्यूमनर, और ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स दोनों का सेम ही है, कौन सा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केरेटिनाइज्ड एपिथेलियम। और लास्ट पार्ट हमारा है फंक्शंस। ओके, तो नाजोफेरिंग्स का फंक्शन कौन सा है, रेस्पिरेटरी फंक्शन, मतलब कि पैसेज, इट इज़ अ पैसेज फॉर एयर। ओरोफेरिंग्स का है पैसेज फॉर फूड एंड एयर। और ओरोफेरिंग्स के बाद वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो होता है लेरिंग्स और दूसरा होता है लेरिंगोफेरिंग्स। ओके, तो एयर कहाँ पे जाती है, लेरिंग्स में, और फूड कहाँ पे जाता है, लेरिंगोफेरिंग्स में। तो हम देख सकते हैं लेरिंगोफेरिंग्स का फंक्शन कौन सा होगा, इट इज़ अ पैसेज फॉर ओनली फॉर फूड। ओके, तो यहाँ पे हमने तीनों के तीनों पार्ट्स को ने चार देखिए कोष्टक के रूप में हमने बता दिया है, तो इसकी वजह से आप उसके डिफरेंट भी लिख सकते हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं इन तीनों के तीनों पार्ट्स को डायग्राम से। तो चलिए अब हम देख लेते हैं फेरिंग्स के पार्ट्स को इस डायग्राम से। ओके, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये वाला पार्ट है नाजो फेरिंग्स, बिल्कुल बिहाइंड द नोज, देखिए ये नोज है, नोज ये नाजल कैविटी, और नाजल कैविटी के बिहाइंड ये है नाजो फेरिंग्स। ओके, फिर दूसरा पार्ट ये है ओरो फेरिंग्स, बिल्कुल ये है ओरल कैविटी, और ओरल कैविटी के बिल्कुल बिहाइंड ये है ओरो फेरिंग्स। और ये तीसरा हमारा पार्ट ये है लेरिंगो फेरिंग्स। ओके, और ये देखिए ये हमारा लेरिंग्स है, और लेरिंग्स के बिल्कुल पीछे ये है लेरिंगो फेरिंग्स। अब देख लेते हैं एक्सटेंट के बारे में, हमने सिचुएशन तो देख ली, तो एक्सटेंट देख लेते हैं। तो नाजो फेरिंग्स का एक्सटेंट कहाँ पे होता है, बेज ऑफ स्कल, तो देखिए ये है हमारा बेज ऑफ स्कल। ओके, देखिए ना स्फिनोइड बोन है, तो यहाँ से लेके ये सॉफ्ट पार्ट, सॉफ्ट पैलेट तक होता है। ओके, तो देखिए बेज ऑफ स्कल से सॉफ्ट पैलेट तक हमारा क्या होगा, नाजो फेरिंग्स। ओके, और फिर सॉफ्ट पैलेट से स्टार्ट करके एपिग्लोटिस तक क्या होगा हमारा, ओरोफेरिंग्स, और एपिग्लोटिस से स्टार्ट करके अपर बॉर्डर ऑफ एपिग्लोटिस से स्टार्ट करके हमारा क्रिकोइड कार्टिलेज तक क्या होगा, हमारा होगा लेरिंगो फेरिंग्स। ओके, तो ये हो गया उसका एक्सटेंट के बारे में। अब कम्युनिकेशन भी देख लेते। ओके, देखिए ओरोफेरिंग, सॉरी ये है नाजो फेरिंग्स, एंटीरियरली कम्युनिकेट विथ नोज एंड बिलो कम्युनिकेट विथ ओरोफेरिंग्स। ओके, तो ये देखिए ये कम्युनिकेशन हो गया बिलो साइड, फिर हमारा ये वाला ओरोफेरिंग्स एंटीरियरली कम्युनिकेट विथ ओरल कैविटी, अपर साइड सुपीरियरली कम्युनिकेट विथ नाजोफेरिंग्स एंड इंफीरियरली कम्युनिकेट विथ लेरिंगोफेरिंग्स। लेरिंग्स की, लेरिंगोफेरिंग्स की बात करें तो इंफीरियर साइड वो किसके साथ कम्युनिकेट होगा, इसोफेगस के साथ, एंटीरियरली कम्युनिकेट विथ लेरिंग्स एंड सुपीरियरली कम्युनिकेट विथ ओरोफेरिंग्स। ओके, तो ये हो गया उसका कम्युनिकेशन। नर्व सप्लाई तो हमें पता ही है, फेरिंजियल ब्रांच ऑफ टेरिकोपेलेटिन गैंग्लियन है नाजोफेरिंग्स की, और ओरो और लेरिंगोफेरिंग्स की है 9th एंड 10th क्रेनियल नर्व्स। ओके, अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेशन। ओके, तो एंटीरियर रिलेशन पहले हम नाजोफेरिंग्स के सभी के एंटीरियर रिलेशन देख लेते। देखिए नाजोफेरिंग्स एंटीरियरली रिलेटेड टू पोस्टीरियर नाजर एपर्चर, ओरोफेरिंग्स, ओरल कैविटी एंड हमारा लेरिंगोफेरिंग्स। लेरिंगोफेरिंग्स एंटीरियरली रिलेटेड विथ इनलेट ऑफ लेरिंग्स। ओके, तो यहाँ पे होगा इनलेट ऑफ लेरिंग्स। ओके, उसके बाद पोस्टीरियर सरफेस ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज, तो देखिए ना मैंने यहाँ पे डायग्राम में बताया है क्रिकोइड कार्टिलेज, तो उसकी पोस्टीरियर सरफेस के साथ, देखिए अभी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए ये हमारी क्रिकोइड कार्टिलेज की पोस्टीरियर सरफेस होगी, और उसके साथ साथ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ एरेटिनोइड कार्टिलेज, देखिए ना दोनों के नाम लिखे हैं यहाँ पे, तो इन दोनों की पोस्टीरियर सरफेस यहाँ पे कहीं पे होगा लेरिंजियल इनलेट। ओके, तो ये हो गया उसका पोस्टीरियर रिलेशन, सॉरी एंटीरियर रिलेशन। ओके, फिर हम देख लेते हैं उसका
सभी का पोस्टीरियर रिलेशन हो गया है, तो देखिए अभी हम पहले नाजोफेरिंग्स का देख लेते हैं। तो पोस्टीरियरली रिलेटेड विथ, ये देखिए बॉडी ऑफ स्फीनॉइड, ओके, फिर बेजिलर पार्ट ऑफ ऑसिपिटल बोन, एंटीरियर आर्च ऑफ हेटलास, एंड उसके साथ साथ होगा नाजोफेरिंजियल टॉन्सिल। ओके, देखिए यहाँ पे आएगा कहीं पे नाजोफेरिंजियल टॉन्सिल, ओके, और उसके साथ साथ नाजोफेरिंजियल बर्सा। तो देखिए यहाँ पे ये जो है ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये है नाजोफेरिंजियल बर्सा। तो ये हो गया उसका कौन सा रिलेशन, ये हो गया उसका पोस्टीरियर रिलेशन। फिर देखिए यहाँ पे ओरोफेरिंग्स में होगा C2 एंड C3, ओके, और हमारा लेरिंगोफेरिंग्स में होगा C4 C5 एंड C6 तक, ओके। फिर हम देखते हैं लेटरल रिलेशन, ओके, तो लेटरली नाजोफेरिंग्स रिलेटेड विथ ऑडिटरी ट्यूब, किसके साथ, ऑडिटरी ट्यूब, ओके, एंड ऑल्सो एबोव द ट्यूब देर इज अ ट्यूब्यूलर एलिवेशन इज प्रेजेंट, ओके। कौन सा एलिवेशन, ट्यूब्यूलर एलिवेशन प्रेजेंट है विथ ट्यूब्यूल टॉन्सिल। तो देखिए देखिए ये है ट्यूब्यूल ओपनिंग, ओके, उसके ऊपर क्या होगा, ट्यूब्यूलर टॉन्सिल। तो देखिए ये है ट्यूब्यूलर टॉन्सिल, ओके, मीन्स कि आप ये भी कह सकते हैं ट्यूब्यूलर एलिवेशन, ओके। तो ये हो गया लेटरल रिलेशन ऑफ नाजोफेरिंग्स। फिर हम देखते हैं ओरोफेरिंग्स, तो ओरोफेरिंग्स में कौन सा टॉन्सिल था, पैलेटाइन टॉन्सिल विथ टॉन्सिलर फोसा, ओके, और फिर हमारा था लेरिंगोफेरिंग्स, तो ओके सॉरी, हम लेरिंगोफेरिंग्स के लिए देख लेते हैं, पायरीफॉर्म फोसा ऑन ईच साइड ऑफ इनलेट, ओके। देखिए मैं दूसरे डायग्राम से बता देता हूँ, देखिए इस डायग्राम से हम सभी को देख लेते हैं, देखिए नाजोफेरिंग्स से देखते हैं, देखिए ट्यूब्यूलर ओपनिंग, ओके, तो देखिए ओपनिंग ऑफ ऑडिटरी ट्यूब, ओके, ट्यूब्यूलर एलिवेशन, तो ये वाला एलिवेशन है विथ ट्यूब्यूल टॉन्सिल, ओके, तो यहाँ पे ट्यूब्यूल टॉन्सिल भी प्रेजेंट होगा। फिर हम देखते हैं ओरोफेरिंग्स में, तो ओरोफेरिंग्स में हमने देखा था पैलेटाइन टॉन्सिल, तो देखिए ये है पैलेटाइन टॉन्सिल, दोनों तरफ दोनों साइड है पैलेटाइन टॉन्सिल, और लेरिंगोफेरिंग्स में हमने देखा था पायरीफॉर्म फोसा, तो देखिए ये है हमारा पायरीफॉर्म फोसा ऑन ईच साइड, ओके, दोनों साइड है पायरीफॉर्म फोसा, ये वाला और दूसरा ये वाला, ओके, बाउंडेड बाय एपिग्लोटिस फोल्ड, ओके, बाउंडेड बाय एरी एपिग्लोटिक फोल्ड, देखिए ये वाला, ये है एरी एपिग्लोटिक फोल्ड, ये वाला, ओके, ये वाला पार्ट है हमारा इंटर एरी एपिग्लोटिक फोल्ड, ओके, मीडियल साइड था, ओके, मीडियल साइड कौन सा फोल्ड होगा, एरी एपिग्लोटिक फोल्ड, और लेटरल साइड होगा हमारा थायरॉइड कार्टिलेज, यहाँ पे होगा लेटरल साइड पे होगा थायरॉइड कार्टिलेज। तो दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ डायग्राम ऑफ पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।